हेलो स्टूडेंट्स, मैं राजेंद्र मीणा, राजकीय महाविद्यालय वाराणसी। बच्चों, बॉटनी में हम बीएससी सेकेंड ईयर के पेपर थर्ड के अंतर्गत यूनिट फिफ्थ का अध्ययन कर रहे हैं। इस यूनिट फिफ्थ में हम अपना नेक्स्ट जो टॉपिक है, लेक्चर है, वो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं। इस टॉपिक का नाम है बच्चों, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स, पादपों में कायिक जनन। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं बच्चों इसको। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, पादपों में कायिक प्रजनन या जनन, स्टार्ट करते हैं इसे। कुछ पादपों में बीज निर्माण अनुपस्थित होता है अथवा यह अल्प संख्या में बीज निर्मित करने पर कायिक जनन संपन्न करते हैं। बच्चों, आपको पता है कि अधिकांशतः जो पादप होते हैं उनमें नए पादप का निर्माण जो है बीज के द्वारा होता है। बीज जो है अनुकूल परिस्थितियों में अंकुरित होकर जो है नए पादपों का निर्माण करता है, ये बात ठीक है। लेकिन कुछ पादप ऐसे भी होते हैं जिनमें बच्चों बीज नहीं बनते हैं, या फिर जो बीज बनते हैं वो बहुत अल्प मात्रा में होता है, कम मात्रा में बनते हैं। अब ऐसी परिस्थितियों में उस पर्टिकुलर पादप या उस जाति का अस्तित्व बनाए रखने के लिए प्रजनन प्रक्रिया तो आवश्यक है। तो इन पादपों में या इन पादपों ने अपने विकास के जैव विकास के क्रम में कायिक प्रजनन की विधि को चुना अपनी संख्या बढ़ाने के लिए या नए पादप के निर्माण के लिए, तो वही हम आज पढ़ रहे हैं। ठीक है, अल्प मात्रा में बीज निर्मित करने वाले पादप अथवा बीज निर्माण नहीं दर्शाने वाले पादप जड़, तना, पर्ण द्वारा जनन इकाइयों का निर्माण करते हुए नए पादप का निर्माण करते हैं। यह प्रक्रिया कहलाती है कायिक जनन। या तो बीज बन ही नहीं रहे हैं या अल्प मात्रा में बीज बन रहे हैं, तो ऐसे पादप है वो क्या करते हैं, अपनी जो संरचनाएं होती है, जड़, तना, पत्ती अथवा कोई और संरचना, ठीक है, उनके द्वारा जो है जनन इकाइयों का निर्माण करते हैं। जनन इकाई वह संरचना है जिसके द्वारा कि उस विशिष्ट पादप में उस विशिष्ट पादप से नए पादप का निर्माण हो रहा है। ठीक है, मान लीजिए जो आलू है, आलू में जो जनन इकाई हम पढ़ते हैं वो है भूमिगत तना। ठीक है, तो जनन इकाइयों का निर्माण करते हुए नए पादप का निर्माण करते हैं, यह प्रक्रिया क्या होती है, कायिक जनन। अर्थात पादप के कायिक भागों द्वारा, बहुत इंपॉर्टेंट है, कायिक भाग, जननिक भाग है पुष्प, कायिक भाग है पुष्प के अलावा जो और संरचनाएं हैं, जड़, तना, पत्ती। ठीक है, अर्थात पादप के कायिक भागों द्वारा जनन इकाई का कार्य करते हुए नए पादप का निर्माण करना कायिक जनन कहलाता है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये बच्चों, हमेशा ध्यान रखिए, जो साइंस है, विज्ञान है, उसमें परिभाषाओं का बड़ा महत्व होता है। ठीक है, अब आपको बहुत आसान लग रही होगी ये परिभाषा कि बताइए पादपों में कायिक जनन क्या होता है। ठीक है, हमें समझ में भी आ रहा है, लेकिन इसको हम रिप्रेजेंट कैसे करें। ठीक है, तो रिप्रेजेंट आप तभी कर पाएंगे बच्चों जब उस विषय के बारे में आपको उसकी बेसिक जो जानकारी है वो होगी। मैं आपको एक अपना अनुभव बताना चाहता हूँ लेक्चर के बीच में। राजस्थान लोक सेवा आयोग में जब हमारा मेरा कॉलेज लेक्चरर के लिए इंटरव्यू चल रहा था, तो मुझसे एक प्रश्न पूछा गया जो मेरे लिए बहुत ही अनएक्सपेक्टेड था और मुझे उम्मीद नहीं थी कि ये चीज़ आपसे पूछ सकते हैं। उन्होंने मुझसे पूछा, बताइए बता बेटा कि पादप रोग जो है उसे आप कैसे परिभाषित करोगे। ठीक है, बीमारियां हैं पादपों में होती है, आपने देखी होगी, मनुष्य में भी होती है, लेकिन आप उसको डिफाइन कैसे करोगे, पादप रोग आप किसे कहेंगे, उसको आप परिभाषित कीजिए।
तो ये एक ऐसा प्रश्न था जिसकी तैयारी मैंने नहीं की थी और 30 सेकंड के लिए मैं कुछ बोल नहीं पाया। लेकिन उसके बाद में जो मेरी नॉलेज थी सब्जेक्ट की, है ना, और जो बेसिक थे उनको ध्यान में रखते हुए मैंने अपने हिसाब से जो है उसकी जो डेफिनेशन है वो बताई और काफ़ी हद तक वो संतुष्ट भी हो गए। तो कहने का मतलब ये है कि आपको, जैसे कि आप अभी सेकेंड ईयर में हैं, फाइनल ईयर में जाएंगे, उसके बाद में कंपटीशन की तैयारी करेंगे, इंटरव्यूज़ वगैरह की तैयारी करेंगे, तो हमेशा ध्यान रखिए इंटरव्यूज़ में जो है कुछ नहीं पूछते हैं डीप, बहुत बेसिक चीज़ें जो है, सतही चीज़ें हैं वो पूछते हैं, लेकिन उसमें भी हम कई बार मात खा जाते हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलिए टॉपिक से हट गए थे, स्टार्ट करते हैं अपना। हमने पढ़ लिया कायिक प्रजनन क्या होता है और क्यों ज़रूरत होती है इसकी। अभी दो प्रकार का होता है बच्चों, एक है नेचुरल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन और सेकंड है आर्टिफिशियल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। पहला है प्राकृतिक और दूसरा है कृत्रिम। ठीक है, अब बारी बारी से इसको देख लेते हैं। हम आज के लेक्चर में हम नेचुरल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन तक पढ़ेंगे। स्टार्ट करते हैं नेचुरल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। वह कायिक जनन विधियां जो प्राकृतिक रूप से मूल तथा पर्ण के द्वारा, तने के द्वारा भी, जड़ तने तथा पर्ण के द्वारा मात्र पादप के निर्माण से संबंधित होती है, कलिका युक्त पादप संरचनाएं भी इसमें प्रयुक्त हो सकती है। ठीक है, तो कायिक जो प्राकृतिक कायिक जनन वह प्रक्रिया जिसमें कि जो प्राकृतिक रूप से जो मूल है, तना है, पत्तियां हैं, या जो कलिका युक्त जो पादप संरचनाएं हैं वो नए पादप का निर्माण दर्शाती हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, प्राकृतिक कायिक जनन। ठीक है, यह निम्न संरचनाओं के द्वारा संपन्न होता है बच्चों। यह है रूट के द्वारा संपन्न होगा, स्टेम के द्वारा संपन्न होगा, लीफ के द्वारा संपन्न होगा, बुलबिल्स के द्वारा संपन्न होगा। तो एक एक करके हम इसको पढ़ेंगे। सबसे पहले हमें नेचुरल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन बाय रूट, ठीक है, रूट के द्वारा पढ़ना स्टार्ट करते हैं। कुछ पादपों के मूल सक्रिय होकर निकटवर्ती क्षेत्रों में नए पादप का निर्माण करती है। ठीक है, यह प्राय खाद्य संग्रहणकारी मूल होती है। कुछ पादप बच्चों जो कि जिनमें की जो मूल होती है खाद्य संग्रहणकारी प्रवृत्ति की होती है, उनमें जो मूल होती है यही सक्रिय होकर क्या है, नए पादप का निर्माण करती है। उदाहरण देखते हैं, शकरकंद और डहेलिया आदि में मूल द्वारा जनन इकाई का कार्य करते हुए नए पादप का निर्माण किया जाता है। ठीक है, शकरकंद और डहेलिया में मूल के द्वारा प्राकृतिक कायिक जनन पाया जाता है, और जो शकरकंद का जो कृषि कार्य है वो इसी गुण के आधार पर किया जाता है, इसको याद रखिएगा। कुछ वृक्षीय पादप जैसे कि जो शीशम होता है, उसमें क्या होता है बच्चों, आधारी भाग में उपस्थित जो मूल तंत्र होता है वो उपस्थित मूल तंत्र द्वारा अपस्थानिक शाखाओं का निर्माण करते हुए निकटवर्ती अधो स्तर से नए प्लांट का निर्माण होता है। ठीक है, शीशम है, उसमें जो मूल तंत्र है बच्चों, मूल तंत्र से अपस्थानिक शाखाएं निकलेंगी और वही शाखाएं जो है वो नए पादप का निर्माण कर देंगी। ठीक है, इस प्रकार मूल कायिक जनन इकाई का कार्य करते हुए नए पादप का निर्माण दर्शाती है। ठीक है, तो बच्चों फर्स्ट हो गया रूट, अब सेकेंड हम पढ़ेंगे बाई स्टेम। बाई स्टेम विभिन्न पादपों में तने का उपयोग कायिक जनन इकाई के रूप में किया जाता है। ठीक है, उदाहरण के लिए आलू। ठीक है बच्चों, आलू में भूमिगत तना पर्व संधियों की उपस्थिति को प्रकट करता है। ठीक है बच्चों, आलू है उसमें जो भूमिगत तना है, आपको याद होना चाहिए जो आलू हम खाते हैं वो एक वास्तव में एक तना है भूमिगत, तो उसमें क्या है, भूमिगत तना पर्व संधियों की उपस्थिति को प्रकट करता है। इन पर्व संधियों पर कक्षक कलिकाएं भी पाई जाती है। कक्षक कलिका युक्त यह खंड नए पादप का निर्माण करता है। गन्ने में पर्व संधियों पर भी कलिकाएं पाई जाती हैं, यह कलिका युक्त पर्याप्त लंबाई के पर्व संधि खंड नए प्लांट का निर्माण करते हैं। ठीक है बच्चों, जैसे कि आलू है इसमें ये बर्ड्स पाई जाती हैं, इसे आँख भी कहते हैं आलू की। ठीक है, तो आप अगर
आँख युक्त भाग को काटेंगे आलू के, तो और उसको आप जो उगाएंगे तो वो आसानी से उग जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार पर्व संधि युक्त जो गन्ना है उसके तने को आप अगर लगाओगे तो वो अवश्य ही नए पादप का निर्माण करेगा, ठीक है बच्चों। फर्स्ट हो गया रूट, सेकंड हो गया स्टेम, तीसरा हम पढ़े लीफ, बाय लीफ पत्ती के द्वारा प्राकृतिक कायिक जनन। कुछ पादपों जैसे ब्रायोफिल्लम और बिगोनिया, बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है ये उदाहरण, ब्रायोफिल्लम तथा बिगोनिया में पर्ण के मार्जिन अर्थात जो सीमांत जो स्थान है किनारे सक्रिय होकर अनुकूल परिस्थितियों में मृदा के संपर्क आने पर नए प्लांट का निर्माण करते हैं। बच्चों जैसे मान लीजिए ब्रायोफिल्लम की ये पर्ण है, इसकी जो किनारे हैं जो मार्जिन्स हैं वहाँ पर जो है विशिष्ट प्रकार की जो संरचनाएं हैं विकसित होंगी, या फिर आप ये मान लीजिए ये जो मार्जिन्स है पत्ती के वो एक जनन इकाई के रूप में कार्य करेंगे। अब ये जनन इकाई जब भी मृदा के संपर्क में आएगी तो इसके द्वारा नए पादप का निर्माण कर दिया जाएगा, ठीक है। अतः पादप की पर्णों में भी कायिक जनन का गुण पाया जाता है। अनुकूल परिस्थिति में ऐसी पादप पर्णों का प्रत्येक खंड जो सक्रिय क्षेत्रों की उपस्थिति युक्त होती है स्वतः नया पादप बनाता है, ठीक है बच्चों। तो आप याद रखिएगा इसका उदाहरण ब्रायोफिल्लम और बिगोनिया, ठीक। नेक्स्ट पढ़ते हैं बच्चों बुलबुल्स के द्वारा। कुछ पादपों जैसे एगेव, एलोए, डायकोस्कोरिया में मांसल तथा खाद्य संग्रहणकारी कलिका का निर्माण होता है। विशिष्ट प्रकार की संरचना है बच्चों कुछ पादपों में मिलती है जैसे कि एगेव, एलोए वगैरह में, ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं बुलबुल बोलते हैं। यह कलिकाएं अनुकूल परिस्थितियों में सक्रिय होकर नए पादप का निर्माण करती है, अर्थात ये एक तरह से जनन इकाई का काम करती है। यह बुलबुल भी कहलाती है, पढ़ चुके हम बुलबुल या कलिका। यह निकटवर्ती क्षेत्रों में ही अंकुरित होते हुए नए पादप का निर्माण करती है, ठीक है बच्चों। जैसे कि ये प्लांट है डायस्कोरिया और यह है एगेव, तो इसमें इस प्लांट में तने और जो पर्ण है उसके मध्य में जो है बुलबुल का निर्माण होता है। इस बुलबुल ये जो बुलबुल है सॉरी बुलबुल है ये जनन इकाई का काम करते हुए अनुकूल परिस्थितियों में नए पादप का निर्माण दर्शाती है। उसी प्रकार से एगेव प्लांट में ये प्रक्रिया होती है, ठीक है बच्चों। इस प्रकार प्राकृतिक रूप से कायिक जनन की अधिक विधियां पाई जाती है। इनका आवश्यकता अनुसार कृषि क्रिया में उपयोग किया जाता है। उदाहरण के लिए आलू, गन्ने, शकरकंद की कृषि, इनमें प्राकृतिक कायिक जनन के गुण कारण संपन्न होती है, ठीक है बच्चों। तो आज अभी इस लेक्चर में हमने कायिक जनन की परिभाषा, उसकी आवश्यकताएं और जो प्राकृतिक कायिक जनन है वो किन किन विधियों के द्वारा संपन्न होता है उसका अध्ययन हमने किया है। नेक्स्ट लेक्चर में हम कृत्रिम कायिक जनन की जो विधियां हैं उनका अध्ययन करेंगे। थैंक्स।